इस लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. फॉर एग्जांपल ये इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया है, थोड़ा सा और उसको एक्सटेंड करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे बिल्डअप करेंगे. जैसे यहाँ पे कहा गया एम इक्वल्स टू आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस जे और प्लस प्लस के. देन अगर हमने यहाँ पे कहा प्रिंट एफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी अगेन परसेंटाइल डी आई जे के और एम. ठीक है, तो अगर हम इसको ये मान लें, इसको एक एक्सप्रेशन मान लें और इसको दूसरा एक्सप्रेशन मान लें, तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर ये वैल्यूज़, ये पहले ये वैल्यू कंप्यूट होगी एंड देन ये वाली वैल्यू कंप्यूट होगी, तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एंड अगर बीच में लगा हुआ है तो अगर ये वैल्यू ट्रू है तभी आप इसको चेक करें. तो यहाँ पे आई जे और के तीनों की वैल्यू 1 2 3 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू ही होगा. नाउ करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे है आई प्लस प्लस और प्लस प्लस जे, तो केवल ये पार्ट हम कर रहे हैं. तो इस पार्ट के लिए हम कह सकते हैं, लेट्स हमने मान लिया कि ये पार्ट एक्स है, तो एक्स क्या हो गया आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस जे. लेट्स ये वाला पार्ट हमारा वाई है, तो ये एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या हो गया एम इक्वल्स टू एक्स और वाई. तो सबसे पहले एक्स करते हैं, एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया आई प्लस प्लस. अब चूंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है इसलिए बाद में इसकी वैल्यू अपडेट होगी, तो इसकी वैल्यू हमारी है 1. ये प्री इंक्रीमेंट है इसलिए इसकी वैल्यू पहले अपडेट होगी, तो इसकी वैल्यू हमने 3 कर दी, तो 1 एंड 3 आया मेरे पास. सो 1 एंड 3 क्या होगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों को ट्रू ट्रू माना जाएगा, दोनों ट्रू ट्रू मतलब ये ट्रू हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमारी ट्रू हो गई मतलब 1 हो गई. तो अगर एक्स की वैल्यू 1 हो गई तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इवेलुएट ही नहीं होगा. क्यों नहीं इवेलुएट होगा, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है, तो बीच में और लगा है तो हम क्या करते हैं, अगर पहला वाला पार्ट ट्रू हो गया तो दूसरे वाले पार्ट को हम इवेलुएट नहीं करते हैं. तो हमारे पास अब एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक्सप्रेशन है एम इक्वल्स टू ये वाले पार्ट से इवेलुएट हुए 1 और प्लस प्लस के, तो 1 और प्लस प्लस के आए तो ये इवेलुएट नहीं होगा, इसलिए के की जो भी वैल्यू थी वही रह जाएगी. अगर हम प्रिंटिंग कराते हैं वैल्यूज की तो क्या होगा, एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जब असाइनमेंट हो जाएगा एम में तो ये आई की वैल्यू अपडेट कर दी जाएगी, तो आई की वैल्यू हमारी 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, फाइन, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है तो असाइनमेंट के बाद वो चेंज हो जाएगी. तो देखते हैं जरा कि अपडेशन के बाद क्या हुआ. हमने प्रिंट कराया आई जे के एम एल एम, सबसे पहले आई क्या प्रिंटिंग होगी, आई की वैल्यू 2 हो गई है, सी. फिर जे प्रिंट कराना है हमें, जे की वैल्यू क्या हो गई है, ये प्लस प्लस जे था, जे की वैल्यू 3 हो गई है. के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू वही रहेगी क्योंकि ये वाला पार्ट इवेलुएट ही नहीं हुआ. एंड देन एम की वैल्यू क्या आई, यस इंटरेस्टिंग, एम क्या है, एम एक कंडीशन है, एम एक असाइंड वैल्यू रख रहा है जो कि राइट हैंड साइड में जो इवेलुएट होगा उसका. ये इवेलुएशन कैसे होगा, ये एक असाइनमेंट बने, इनमें हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि ट्रू है, तो ट्रू को हमने 1 ट्रीट किया, इसका इवेलुएशन की जरूरत ही नहीं है. तो इसका क्यूमुलेटिव जो असेसमेंट है वो 1 आया, इसका मतलब एम की वैल्यू में 1 आया मतलब ट्रू आया, तो यहाँ जो प्रिंटिंग होगी वो 1 की हो. एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, आई इक्वल्स टू -1 जे इक्वल्स टू 2 के इक्वल्स टू 3 और एम, यहाँ पे है एम इक्वल्स टू प्लस प्लस आई एंड प्लस प्लस जे और प्लस प्लस के एंड देन हम प्रिंट करा रहे हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी आई जे के और एम. फाइन, वंस अगेन सबसे पहले ये वाला पार्ट इवेलुएट करते हैं. लेट्स से ये वाला पार्ट हमारा एक्स है और ये वाला पार्ट वाई है, एक्सप्रेशन है एक्स और वाई. एक्स को हमने सबसे पहले इवेलुएट किया, एक्स क्या हुआ प्लस प्लस आई, प्री इंक्रीमेंट है एंड प्लस प्लस जी, ये भी प्री इंक्रीमेंट है. प्लस प्लस आई से ये वैल्यू हो गई 0, मतलब आई की वैल्यू 0 हो गई है.
प्लस प्लस जे को क्या चेक करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों चेक करने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अगर फर्स्ट वाला वैल्यू ज़ीरो हो गया है, फॉल्स हो गया है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर ही हमारा फॉल्स आना है। तो प्लस प्लस जे परफॉर्म नहीं होगा। तो आई की वैल्यू ज़ीरो हो गई, लेकिन ये वाला कोई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। नाउ अब एम इक्वल्स टू क्या है, एक्स और वाई, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। तो अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो, इसकी ज़ीरो और ज़ीरो एंड एनी थिंग विल बी ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू हमारी ज़ीरो हो गई। हमें वाई को इवेल्यूएट करना पड़ेगा। वाई को इवेल्यूएट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि वाई वन हो। तो प्लस प्लस के है यहाँ पे, प्लस प्लस के से के की वैल्यू फोर हो जाएगी। सो दिस इज़ ज़ीरो और फोर, फोर विल बी इवेल्यूएटेड एज ट्रू। तो ज़ीरो मतलब फॉल्स और ट्रू, आंसर ट्रू हो गया। ट्रू किससे इवेल्यूएट हो गया? वन इवेल्यूएट हो गया। सो एम में आ गया असाइनमेंट वन। तो जब आप प्रिंटिंग कराएंगे तो क्या प्रिंटिंग होगी? आई में वैल्यू ज़ीरो, प्लस प्लस आई से वैल्यू ज़ीरो हो गई थी। जे में वैल्यू क्या आएगी? जे में वैल्यू आएगी टू। एंड देन के में वैल्यू क्या आएगी? के देखिए, प्लस प्लस के हुआ ना, प्लस प्लस के से मतलब के की वैल्यू फोर हो गई, और एन की वैल्यू क्या आई? वन आई। तो ज़ीरो टू फोर वन, ये प्रिंटिंग होगी हमारी। ठीक है, एक सिमिलर क्वेश्चन और ले लेते हैं। आई इक्वल्स टू ज़ीरो, जे इक्वल्स टू टू, के इक्वल्स टू थ्री, एम इज इक्वल्स टू प्लस प्लस आई और प्लस प्लस जे एंड प्लस प्लस के। नाउ ये इवेल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले ये, अगर ये ट्रू हो गया तो इसका इवेल्यूशन नहीं होगा क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। तो सबसे पहले प्लस प्लस आई देखते हैं क्या होगा। तो प्लस प्लस आई से क्या होगा, ये वैल्यू वन हो जाएगी। अगर ये वन हो गया तो ये इवेल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा, चलिए इसमें थोड़ा सा एक और ट्विस्ट है। आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा से मुझे रिपीट करना पड़ेगा। प्लस प्लस आई है और प्लस प्लस जे एंड प्लस प्लस के। यहाँ पे मैं ये वाला जो मैंने बताया था ये थोड़ा सा गलत है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। इसमें एक्चुअली क्या है कि जब हमारे पास एंड और दोनों ऑपरेटर्स होते हैं तो एंड और में एंड का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। सिमिलरली अगर नॉट भी आ जाए इसमें तो जो नॉट का प्रेसिडेंस होगा वो एंड और दोनों से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एंड का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, नॉट का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, एंड उसके बाद प्रेसिडेंस आता है, और का प्रेसिडेंस सबसे कम है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एंड वाला पार्ट करना पड़ेगा। एंड वाले पार्ट में क्या है? प्लस प्लस जे हमें करना पड़ेगा। तो प्लस प्लस जे से वैल्यू क्या आएगी? टू से थ्री हो जाएगी जे की वैल्यू। अगर ये वैल्यू टू से थ्री हो गई है तो इस वाले पार्ट को इवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वैल्यू ट्रू ही मानी जाएगी। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इसको भी इवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जो वैल्यू थी वैसे ही रह जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या मानी जाएगी? जब प्रिंटिंग होगी तो आई की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो, जे की वैल्यू आ जाएगी टू, ठीक है, देन के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू हमारी है नाउ सी, ये वैल्यू ट्रू है नहीं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरे की वैल्यू वन है, ये और ये, इन दोनों का आउटपुट वन आएगा, तो वन का मतलब ट्रू होगा। तो एम में असाइनमेंट वन हो जाएगा। के की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, वो थ्री ही रहा, और एम की वैल्यू में वन आ गया। ठीक है, कुछ आउटपुट ओरिएंटेड क्वेश्चंस और देखते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि स्विच केस का एक क्वेश्चन है छोटा सा। स्विच केस में जैसे हमने यहाँ पे कहा मेन इंटीजर एक्स इक्वल्स टू वन, स्विच एक्स, देन केस ज़ीरो डू समथिंग, केस वन डू समथिंग, केस टू डू समथिंग, केस फोर डू समथिंग, देन डिफ़ॉल्ट डू समथिंग। ठीक है, मैं क्या डू डिफ़ॉल्ट में होना क्या है इन सब में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, बट मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है नो, आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसमें आप क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं? लेट्स से यहाँ पे वैल्यू लिखा गया x प्लस इज इक्वल्स टू 10।
यहाँ पे वैल्यू लिखा गया है x प्लस इक्वल्स टू 20, यहाँ पे लिखा गया है x प्लस इज इक्वल्स टू 30, ये मान लीजिए नहीं है, डिफ़ॉल्ट में है x प्लस इक्वल्स टू 40, कहीं पे भी ब्रेक का यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर कहीं पे भी ब्रेक का यूज़ नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे कि एक एक करके सिक्वेंशली ये प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे, ठीक है। सो लेकिन देखते हैं कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है। इंटीजर x इक्वल्स टू 1 है और हमने यहाँ स्विच x लिखा, x की वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली बात है कि केस 0 तो सेटिस्फाई होगा नहीं, केस 1 पे चले जाते हैं। केस 1 कहता है कि x प्लस इक्वल्स टू 20, मतलब x इक्वल्स टू x प्लस 20, x की वैल्यू 1 है, उसमें 20 ऐड कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी वो आएगा, ओके, ब्रेक नहीं है इसलिए, अगर ब्रेक होता तो यहीं से वो बाहर आ जाता, लेकिन ये इसमें आएगा। और यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा, x इक्वल्स टू x प्लस 30, तो 21 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 51, देन वो इसमें भी आएगा क्योंकि ब्रेक नहीं लगा हुआ है। सो x इक्वल्स टू x प्लस 40, 91, ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि इसी तरह के क्वेश्चंस में कहीं आपको ऐसा दिखे, मेन में हमने ऐसा कहा कि इंटीजर i इज इक्वल्स टू 5 एंड देन स्विच i, और इसके अंदर हमने केस आई लगा दिया, फाइन। तो ये ध्यान लीजिए कि जो केस होते हैं उस केस में वेरिएबल नहीं लगाए जा सकते, केस के साथ वेरिएबल्स नहीं लगाए जा सकते, केस के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट्स ही लगेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है, ए बी सी डी हो सकता है, मतलब कि कैरेक्टर्स भी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर या कैरेक्टर पॉइंटर्स ही, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स ही हो सकते हैं केस के साथ, ठीक है, वेरिएबल्स नहीं लगाए सकते केस के साथ, ओके। नाउ अगर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, लेट से हमने यहाँ पे लिखा स्विच सी, और यहाँ पे हमने लिखा केस 0 इंटीजर बी, इसके अंदर एक डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने केस के अंदर एक डिक्लेरेशन कर दिया। तो एक्चुअली होता क्या है कि डिक्लेरेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ जो डिक्लेरेशन हमारा हो रहा है इसमें बी की वैल्यू इनिशलाइज कर दी जाएगी 0 से। तो याद रखिए कि अगर हमने केस के अंदर कोई इनिशलाइजेशन किया है तो उस वेरिएबल का इनिशलाइजेशन 0 से हो जाता है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको बताने थे स्विच केस में, आप जान लीजिए कि अगर ब्रेक नहीं लगा हुआ है तो हम नेक्स्ट केसेस को भी पास करते हुए और उसमें जो भी कंप्यूटेशंस लिखे हैं उनको करते हुए हम एग्जिट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि सही तरीका ये है कि जब भी हम केसेस लगाएं तो केस के साथ में ब्रेक लगाएं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट हमने ये बनाया कि केस के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं हो सकता, केस के साथ में हमेशा कांस्टेंट होगा, या तो वो इंटीजर कांस्टेंट होगा वो, या वो कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, ओके। देन अगर हमने केस के अंदर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया तो उसका इनिशियलाइजेशन 0 होता है। थैंक यू।